अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कि लास्ट टाइम हमने आर्टिकल्स और उसकी एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड किया, आज हम उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे और देखेंगे कि आर्टिकल्स को हम कहाँ पर अपनी नेचर में, अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पर उनका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक बात है कि एप्लीकेशन की, तो उसमें हम आज के इस लेक्चर में जो एप्लीकेशन हमने अंडरस्टैंड करनी है आर्टिकल्स की, उसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम रेडियोथेरेपी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से किसी एक डिजीज को डायग्नोज किया जाता है, किसी एक प्लांट या स्टोन की एज का कैसे पता चलाया जाता है, इसी तरीके से किसी एक केमिकल रिएक्शन के हवाले से इसके किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के हवाले से कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो आइसोटोप्स हैं इनके पावर जनरेशन में इस्तेमाल होगा। ये तमाम आज के इस लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम डिस्कस करेंगे अबाउट एप्लीकेशन, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। और नंबर वन हमारे पास है रेडियोथेरेपी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। देखिए, जहां तक बात है आइसोटोप्स की और उनकी एप्लीकेशन की, जहां तक बात है, तो हम ये बात कहते हैं कि ये जो आइसोटोप्स हैं, अगर हम इनके हवाले से देखें, तो उसमें जो पहली इनकी जो इस पर हम अंडरस्टैंड करेंगे एप्लीकेशन, वो रेडियोथेरेपी है। और मैं चाहूंगा कि रेडियोथेरेपी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और टर्म भी समझा दूं, यानी कि किस तरह से आइसोटोप्स को, डिफरेंट आइसोटोप्स को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहले टर्म हम देख लेते हैं रेडियोथेरेपी का मतलब क्या होता है। रेडियोथेरेपी, इस टर्म के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारी पहली एप्लीकेशन है इस आइसोटोप के हवाले से। अगर हम रेडियोथेरेपी की बात करें, तो रेडियो वर्ड आपको जो पिछला लेक्चर है उसे वो याद करवाएगा, हमने कार्बन 14 की बात की। हमने कहा था कि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियोथेरेपी का मतलब ये हुआ कि थेरेपी मीन्स हम कह देते हैं क्योर या इलाज किसी जो है आपके डिजीज का, और स्पेसिफिकली हम कैंसर की तो बात करेंगे। कैंसर के इलाज के लिए हम जो है जो रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको हम इस तरह के मेथड ऑफ करेंगे जो आपके किसी डिजीज को खत्म करने का जो मेथड है, इसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। एक ऐसा इलाज कि जिसमें हम डायरेक्टली हाई एनर्जेटिक रेडिएशन जो है उनका इस्तेमाल करेंगे किसी एक डिजीज को क्योर करने के लिए, खत्म करने के लिए, इलाज करने के लिए। इस मेथड को हम रेडियोथेरेपी का नाम देते हैं। जैसा कि अगर आपको कहूं कि इफ आई हैव कैंसर इफेक्टिव सेल्स ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कैंसर इफेक्टिव सेल्स यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, तो और हम जानते हैं कि कैंसर इफेक्टिव सेल्स कौन से होते हैं कि जो अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोल्ड जो है डिविजन करते हैं अपने, ठीक है। तो लाइक सपोज अगर यहाँ पर ये कैंसर इफेक्टिव मौजूद है, तो मैं किस तरह से इस मेथड के थ्रू इनको खत्म कर सकूंगा, मैं हाई एनर्जेटिक रेडिएशन को एक्सपोज कर पाऊंगा टू दिस सरफेस, ठीक है, और वो कैंसरियस सेल के जो अफेक्टेड हैं वो क्या कर जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। इस मेथड को हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, हम वो सुनते हैं, वो देखते हैं और फिर अपनी बात को आगे इस तरीके से चलाएंगे।
तो जी स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा भी इस तरह से हम डिफरेंट जो आप कह रहे हैं कि आइसोटोप्स हैं उनको रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। चल एक मेंशन कर लेते हैं, जैसे लाइक हमारे पास पोलोनियम है P32, ये एलिमेंट, ये आइसोटोप रेडियोएक्टिव आइसोटोप, ठीक है। और इसी तरह से मतलब ये आइसोटोप है, इस तरीके से हमारे पास स्ट्रॉन्शियम है, स्ट्रॉन्शियम 90, ठीक है। ये दोनों के दोनों ये जो आइसोटोप हैं, ठीक है, हम इनका इस्तेमाल करते हैं ट्रीट स्किन कैंसर, ठीक है, क्योंकि इनसे लो एनर्जेटिक बीटा रेडिएशन का इस्तेमाल होता है और स्किन के जो कैंसर की ट्रीटमेंट है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक और आइसोटोप है जो कि है कोबाल्ट, कोबाल्ट है 60, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ये लेस पेनिट्रेटिंग रेडिएशन बीटा रेडिएशन को इमिट करते हैं, ठीक है। कोबाल्ट की हम बात करें तो ये इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे कैंसरियस सेल्स को रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए जो कि इंटीरियर ऑफ आवर बॉडी है, ठीक है, क्योंकि कोबाल्ट जो है वो हाई एनर्जेटिक गैस जनरेट की इमिशन करता है, ठीक है, और वो हाई पेनिट्रेटिंग होती है, वो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर सकती है, तो जो इंटीरियर जो कैंसरियस सेल्स हैं, ठीक है, उनको इफेक्ट करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए हम कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। कोबाल्ट 60 जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर रेडियो थेरेपी, क्योंकि सिमिलर वे के अंदर अगर हम देखें तो हम Iodine-131 का इस्तेमाल करते हैं, Iodine-131 का इस्तेमाल करते हैं टू डिटेक्ट द टू डायग्नोज द गॉइटर, ठीक है, गॉइटर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये डिजीज होती है, बाजू का आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो गला है वो थोड़ा सा यहाँ से सूजा होता है, सूजा तो नहीं होता, वो इनलार्ज हुआ होता है, ठीक है, ये इनलार्जमेंट है। इस तरह की डिजीज को हम गॉइटर कहते हैं, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम Iodine-131 का इस्तेमाल करते हैं। आइसोटोप को ना सिर्फ ये कि रेडियोथेरेपी के लिए इस्तेमाल करते हैं टू क्योर एनी डिजीज, इसके साथ साथ डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, एज अ ट्रेसर के तौर पर भी जो है हम इन आइसोटोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये पहली डिजीज जिसको सॉरी पहली आपने एप्लीकेशन जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, मैंने रेडियोथेरेपी के साथ साथ आपको एज अ ट्रेसर या एज अ डायग्नोस्टिक, ठीक है, मेथड जो है के तौर पर जो हम आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं दोनों का एक्सप्लेन किया है। फर्दर आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेस इसके, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेस की हम बात करेंगे। सेकंड हमारे पास ये इसकी एप्लीकेशन है, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। अब देखिए जहां तक बात है आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेस की, तो बेसिकली अगर हमें किसी एक ट्री यानी के लकड़ी दरख्त जो है, ठीक है, उसके हवाले से ये कंफर्म करना हो कि इसकी एग्जैक्ट एज क्या है, या किसी स्टोन की एज को डिटेक्ट करना हो कि कितने साल का है यानी उसकी एग्जैक्ट एज क्या है, तो हम बेसिकली इस मेथड को अप्लाई करते हैं, यानी कि इसको हम जिस तौर पर आर्कियोलॉजिकल जियोलॉजिकल जो है यूज है कहते हैं आइसोटोप, ठीक है। और इसमें हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं एक टर्म कार्बन डेटिंग के लिए, इसकी हम जो है टर्म यानी इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि हम करते क्या है, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास कोई भी ट्री है, ठीक है, या हमारे पास एक रॉक सरफेस है, ठीक है, उसके अंदर कार्बन 14 की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये क्योंकि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, और जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं उनकी हाफ लाइफ होती है, क्या होती है, एक हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो अपने अंदर से डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन को एमिट करेंगे, और जब भी कोई एक आइसोटोप यानी कोई भी जो है एक एलिमेंट एटम जो है वो अपने अंदर से डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन को एमिट करे, तो वो एलिमेंट अपने आप को किसी दूसरे एलिमेंट में, किसी दूसरे एटम में, किसी दूसरे आइसोटोप में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि फिर जब इसमें से रेडिएशन एमिट होंगे तो कार्बन 14 अपने आप को दूसरे एटम में कन्वर्ट करेगा। तो अगर लेट्स सपोज 1 kg टोटल कार्बन 14 मौजूद था किसी एक सब्सटेंस के अंदर, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा कि 1 kg से ये सिर्फ हाफ के जी रह जाए, हाफ के जी किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, इसे हम इसकी हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेस के अंदर हम क्या करते हैं,
हम यही भी है नजर करते हैं कि जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप उसके अंदर मौजूद है, स्पेशली हम कार्बन 14 की बात करते हैं तो कार्बन 18 का नाम देते हैं, ठीक है, कि इसकी हम एस्टिमेशन करते हैं कि हाफ लाइफ कितनी गुजर चुकी है और कितनी क्वांटिटी जो है स्टिल मौजूद है सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, उस हाफ लाइफ और क्वांटिटी की वजह से, ठीक है, उसके इस्तेमाल से हम उस रॉकी सरफेस या फिर जो ट्री है उसकी लाइफ को जो एज है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करते हैं, इसे हम कार्बन डेटिंग कहते हैं और इसमें इस यूज को हम आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज का नाम दे रहे हैं, ठीक है। सेम वे में एक और तरह से भी हम इन आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं और वो क्या है हमारे पास, हम कहते हैं कि वी कैन यूज आइसोटोप्स इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन। अब इसमें क्या होता है, इसे बड़ी बेहतरीन एग्जांपल दी हुई है, देखिए हम क्या करते हैं, हम किसी एक कंपाउंड के अंदर किसी एक एलिमेंट को क्या करते हैं आपके लिए फोकस कर लेते हैं, जिस लाइक अगर हम देखें कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो प्लांट के अंदर होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है प्लांट के अंदर और फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, ठीक हो गया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल है। अब रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन एलिमेंट है हम कार्बन 14 को लेबल कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हुआ, हम कहते हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, उससे हमें एस्टिमेशन होती है कि कितना रिएक्शन हो चुका है। दूसरा ये कि जब कार्बन डाइऑक्साइड में हम कार्बन को लेबल कर लेंगे विद कार्बन 14, ठीक है, तो जब वो अपना को चेंज करेगा, अपना को मॉडिफाई करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनेगा, तो उसके स्ट्रक्चर की डिटरमिनेशन भी हम इसी मेथड से कर लेते हैं, ठीक हो गया, इसी मेथड के थ्रू हम इसके स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन के एनालिसिस, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ नहीं हुआ, रिएक्शन हो चुके हैं प्रोडक्ट बन चुका है नहीं, या स्ट्रक्चर के मुताबिक भी हम बाय लेबलिंग बाय कार्बन 14 आइसोटोप, ठीक है, हम ये चीज पता चला सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कहते हैं कि इसका आइसोटोप का जो है एक और यूज है वो पावर जनरेशन भी है, हम इनके थ्रू पावर जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमने अपनी जो एग्जाम्पल पढ़ी थी आइसोटोप की, उसमें लास्ट एग्जाम्पल जो थी पढ़ी हमने वो यूरेनियम थी, यूरेनियम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर पावर जनरेशन, ठीक है। हम करते क्या है कि हम बेसिकली तौर पर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का जो है हम करते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करते हैं, ठीक हो गया। और इसमें होता क्या है कि हम जो है किसी एक एलिमेंट स्पेसिफिकली, यहां पर हम यूरेनियम देखेंगे, उसके जो न्यूक्लियस है उस पर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि वो जो हमारे पास एटम था, जो यूरेनियम 235 वाला जो आइसोटोप है, ठीक है, वो टूटेगा, ठीक है, उसका न्यूक्लियस टूटेगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होगी, मिलेगी, हमारे सामने आएगी, ठीक है। हम उस हीट के थ्रू क्या करेंगे, हम कहते हैं स्टीम डेवलप करेंगे और वो स्टीम जो है वो क्या करेगा, वो टर्बाइन चलाएगा और फिर जनरेटर जो है चलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होता है, यूरेनियम 92-235, ठीक है, इससे हम बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन को और इसकी बम्बार्डमेंट से इसके न्यूक्लियस के ऊपर जो है थ्रो करवाने से जो है हम कहेंगे स्ट्राइक करवाने से क्या होता है, यूरेनियम कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को बेरियम में, जो कि 139 और 50, ठीक हो गया, और सॉरी ठीक है जी 56, ठीक है 139 और 56। और इसी तरह से जो एलिमेंट एक और हमारे पास आता है वो है क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन की डेवलपमेंट होती है 36 और 94, ठीक हो गया। और इसी तरीके से हमारे पास थ्री फर्दर न्यूट्रॉन डेवलप होते हैं, ठीक है, जो कि इस रिएक्शन को मजीद आगे ले चलते हैं, लेकिन कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो हम इन तीन में से दो को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं और एक फर्दर रिएक्शन को आगे प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जो कि फर्दर से हम जो है हीट की फॉर्म के अंदर होती है कि जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टू रन द जनरेटर, ठीक है, जनरेटर के इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर को यूज
स्टार्ट करने के लिए, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हम जो है जो एनर्जी इस प्रोसेस से निकलती है उसका डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। तो होपफुली आपको ये तमाम यूजेस समझ आए होंगे। जहां भी प्रॉब्लम आएगी आप कैंपस ऐप के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा, जो है आपको बताऊंगा समझाऊंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इनसे आपसे मुलाकात होंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे के लिए।